नमस्कार एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है 3A। ये 3A क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने वीडियो से। सो 3A का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड एप्रिशिएशन। एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, एप्रिशिएशन का रोल पेरेंटिंग में कैसे काम करता है और इससे बच्चों के कौन कौन से लेवल इम्प्रूव होते हैं। आपको पता होगा, जब भी कोई बच्चा बहुत ही छोटी एज का, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ में मैं देना चाहती हूँ, कोई बच्चा 2 साल का है और 2 साल का बच्चा ग्लास लेकर, कांच का ग्लास लेकर किचन में आया। अब जैसे आपने कांच का ग्लास उसके हाथ में देखा, सडनली आपके ब्रेन में आया कि ये तोड़ ना दे, तो आपने उससे छीना और बोला कि ये क्या किया तुमने, आपको पता है ना ये टूट जाएगा। तो यहां पर बच्चे को ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसका तो ये था कि वो ग्लास लेकर किचन में आया, तो उसके लिए तो एक नया वर्क था, एक लर्निंग था। बट यहां पर उस बच्चे को ये समझ नहीं आया कि मुझे क्यों डांटा गया, तो ही स्टार्ट्स क्राइंग और जोर जोर से रोने लगता है। तो जब वो रोने लगता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि मुझे क्यों डांटा गया और मेरी क्या गलती थी। तो यहां पर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज, ये 3 जो काफी हैवी वर्ड्स हैं बच्चों को लेकर, इस पे हमेशा हमें ध्यान रखना होता है, समझना होता है कि बच्चों का ये जो सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ है वो ब्रेक ना हो, और इस ब्रेक को ना होने के लिए हमें क्या क्या अपना पेरेंटिंग का फॉर्मूला बनाना होता है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर बच्चे के साथ में हमें एप्रिशिएशन, उसका अप्रूवल और एक्सेप्टेंस का हमेशा हमें याद रखना होता है। तो जैसे मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अभी जैसे वो 2.1 की है, लाइक 2 ईयर्स 1 मंथ की है, तो वो किचन में सारे जितने भी हम लोग उससे काम होते हैं वो करवा लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि बेटा सारे जितने भी आपके बर्तन है इधर उधर, आप जाओ और इसको किचन में रख कर आ जाओ, तो वो एज इट इज वही करती है, जाती है और रख कर आती है। छोटे छोटे चीजों में उसको बताते हैं, फिर उसके लिए हम क्लैप करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो शी फील्स वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश होती है, और खुश होने के साथ में उसको कंटिन्यू भी करती है, राइट। तो जब भी हम एप्रिशिएशन, अप्रूवल और यू नो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो इसको हम कैसे विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो जैसे हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस में यहाँ पर पेरेंट्स को एक नॉलेज होना चाहिए बच्चे की पसंद और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेकर। एग्जाम्पल, जब बच्चे ने बोला कि मुझे आर्ट्स पसंद है और मैं करियर में भी आर्ट्स ही लेना चाहता हूँ, अब पेरेंट्स को पता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग कि इसको आर्ट्स पसंद है और ये करियर में भी आर्ट्स लेना चाहता है, दो पेरेंट्स ने कुछ और ही डिसाइड किया हुआ है अपने माइंड में कि हम बच्चे को ये कराना चाहते हैं, लेकिन वो उसके इस वर्क को लेकर और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर उसके पास्ट वर्क को लेकर वो सपोर्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि यस, अगर आप करियर अपना आर्ट में ही बनाना चाहते हो तो आप उसको चूज कर सकते हैं, राइट। नाउ अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अप्रूवल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और उसको एक वैलिडेशन देते हैं, मतलब जब भी आप किसी बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक और उसको वैलिडेशन देते हैं उसके अचीवमेंट्स को लेकर विद अ पॉजिटिव बिहेवियर, तो वहां पर हमारा अप्रूवल का रोल प्ले होता है। एग्जाम्पल, किसी बच्चे के मैथ्स में अच्छे नंबर आए हैं और मैथ्स में अच्छे नंबर आने के साथ में वो क्लास में 3rd पोजीशन लेकर आया है। यहां पर जब बच्चा घर आया और उसने बताया कि मेरी 3rd पोजीशन आई और मैंने मैथ्स में काफी अच्छे नंबर लिए हैं, तो यहाँ पेरेंट्स को उसको तारीफ करना चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए, उस पार्ट को उसको उनको अप्रूव करना चाहिए कि बेटा तुमने जो किया बहुत अच्छा है, I am feeling proud of you एंड मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, और मैं इस बात को तुमने रियली बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर बच्चे को अप्रूवल मिल रहा है, वो लेटर ऑन वो और अच्छा अपना परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। नेक्स्ट इज एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी बच्चे को ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस, तो ग्रेटिट्यूड और
थैंकफुलनेस, उसके एफर्ट्स और उसके कंट्रीब्यूशन को जब आप देते हैं तो वो हमारा एप्रिशिएशन में आ जाता है। एग्जाम्पल, कोई बच्चा है किचन में आपकी मदद करने आया और किचन में मदद करने के साथ में चाहे उसने बहुत थोड़ा सा ही काम किया और आपको लग रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन उससे ज्यादा वो स्प्रेड कर रहा है चीजों को, लेकिन काम भी कर रहा है, अपने एफर्ट्स को दिखा रहा है, अपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पर उस बच्चे को आपको एक ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि आपने आज मेरे को किचन में काफी हेल्प की और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो काफी इम्प्रूव होगा और कंटिन्यूअसली वो आपको और लोगों को भी इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा। तो सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ बच्चे का बरकरार रखने के लिए आपको ये 3A को लेकर काम करना होता है। इसको हम थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक बच्चा है, उसके मैथ ने थर्ड पोजीशन लिया है, वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे वो घर पर आया, पेरेंट्स ने बोला थर्ड पोजीशन, तुम फर्स्ट पोजीशन में क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना तुम सबसे ज्यादा कॉस्टली ट्यूशन में जाते हो और तुम तो बहुत अच्छा करते हो, यहाँ तो तुम अच्छे नंबर देकर आते हो, वहां तुम्हें क्या हो जाता है? तो बच्चे को अपने उसने जो एक उसका उसने जो आपसे एक फीडबैक के लिए मांगा था, वो फीडबैक आपने उसको एक ऐसा दिया कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे शायद फीडबैक ही लेना पसंद ना करे, या फिर उसका सेल्फ वर्थ ब्रेक हो सकता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। सेम हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं करियर चॉइसेस की। पेरेंट्स ने डिसाइड किया हुआ है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, बच्चे ने चूज किया हुआ है कि मुझे आर्ट साइड में करना है, और आपको पता है कि बच्चा बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है और उसका आर्ट्स की तरफ काफी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर बच्चे ने जब आपके सामने रखा तो आपने उसको बोला कि नहीं, अगर आप आर्ट्स नहीं करेंगे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि बच्चे के परफॉर्मेंस और उसकी जो एक सेल्फ इमेज वाला पार्ट है या फिर वो जो अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है वो शायद इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए। थर्ड पार्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा है जो आपको किचन में आपके साथ में काम करने आया है। अब एप्रिसिएशन वाला पार्ट आ जाता है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड और आप उसको थैंकफुलनेस वाला पार्ट जो है। तो यहां पर बच्चे ने बोला कि मामा मुझे आपके साथ किचन में काम कराना है, और आपने उससे बोला कि किचन में काम ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ और बैठ जाओ, राइट। तो अब बच्चा क्या है, उसे ये समझ नहीं आया कि किचन में काम करना अच्छा नहीं है या मम्मी नहीं चाहती या फिर ये बहुत टायरिंग वर्क है या फिर ये क्या है। तो ही इज इन दैट कंफ्यूजन। तो शायद उसका सेल्फ और सेल्फ इमेज या फिर कुछ भी इस तरह से ब्रेक हो सकता है। तो होप आपको क्लैरिटी के साथ में क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल के तरीके से हम ले लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो काफी अच्छे बैट्समैन है। अगर उनके पेरेंट्स ने उनको बैट्समैन मतलब क्रिकेट की जगह कुछ और करियर की तरफ ऑप्शन में डाला होता तो शायद वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते उस फील्ड में जो एक इस फील्ड में वो अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। तो देयर आर मेनी ऑफ द एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स काफी हैं हमारे साथ में। तो जब भी आप बच्चे के उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानते हैं, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, और साथ में उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए और उनको हमेशा एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके ब्रेन में होना चाहिए कि जब भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए और उनको उस पार्ट में उनका कंट्रीब्यूशन और एफर्ट जो भी उन्होंने दिए हैं वहां पर आपको उनको एक हैप्पीनेस होना चाहिए, राइट। तो ये आपको बहुत ही अर्ली ऐसे करना होता है, और अगर आपको लग रहा है कि आपने ये किया ही नहीं है और आप अभी से इस पार्ट को करना चाहते हैं जब बच्चा 11-12 साल का है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस पर जाइएगा और वहां से आप देखना कि आपका जो बच्चा है वो किस एज में आता है, किस एज के साथ में उसका क्या टॉपिक हो सकता है, कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।